हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यूट्रीफिट बॉडी एंड सोल। ओट्स खाने में कितने हेल्दी होते हैं हम सबको पता है, पर कभी कभी सेम तरीके से खाने में बहुत ही बोरिंग हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं लाई हूँ अपनी पर्सनल फेवरेट ओट्स रेसिपी। इसको ज़रूर बनाइएगा, इट जस्ट टेस्ट अमेजिंग। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है चॉप्ड अनियन, फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ चॉप किया हुआ टमाटो, इसके अंदर ऐड करेंगे हम थोड़ा सा धनिया, फिर हम इसको सीजन करेंगे थोड़े से सॉल्ट के साथ, थोड़े सा रेड चिली पाउडर, फिर हम इसमें स्क्वीज करेंगे थोड़ा सा लेमन और हम इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जो साल्सा है ये हम सबसे पहले बना के रेडी कर लेंगे, जिससे कि जो इसके फ्लेवर्स हैं वो आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए, इसको बिल्कुल ऐसे प्रेस करते हुए मिक्स करना है जिससे कि जो टमाटो का जूस है वो थोड़ा सा छूट जाए। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, इसको मैं हल्का सा स्प्रेड करूँगी। अब हम यहाँ पे बनाएंगे अपना सनी साइड अप। ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है एक एग जिसको मैं क्रैक ओपन कर रही हूँ धीरे से। अगर आपको सनी साइड अप पसंद नहीं है तो आप सिंगल एग का ऑमलेट भी बना सकते हैं, या इसको दोनों साइड से सेक कर सकते हैं, या फिर आप इसमें रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग को सीजन करा है सॉल्ट और ब्लैक पेपर के संग और उसको 5 से 10 सेकेंड के लिए कवर करके कुक होने देंगे। ये देखिए, नीचे से एकदम परफेक्टली कुक हुआ है। अब इसी पैन को हम वापस से गर्म करेंगे, इसमें डालेंगे ऑयल और थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक। जब हमारा गार्लिक अच्छे से सॉटे हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे स्लाइस्ड करे हुए मशरूम। अगर आप मशरूम नहीं पसंद करते हैं तो यहाँ पे प्री सोक्ड सोया चंक्स भी ऐड कर सकते हैं स्लाइस करके, या फिर आप चाहें तो थोड़ा सा पनीर भी ऐड कर सकते हैं। हमको ये जो मशरूम है उसको बिल्कुल घुटाना नहीं है, थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए। इट विल टेक 1 मिनट मैक्सिमम टू कुक द मशरूम्स जिसको हम सीजन कर रहे हैं सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर के साथ। ये देखिए, मशरूम हमारे यहाँ पे कुक हो चुके हैं, ये पक भी चुके हैं और इसमें हल्का सा क्रंच अभी भी है। अब इसी पैन में हम फाइनली कुक करेंगे ओट्स। यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप ऑफ ओट्स, तो मैं यहाँ पर लूंगी 1/2 कप ऑफ वाटर, बिल्कुल डबल क्वांटिटी में वाटर। इससे जो ओट्स हैं वो लिक्विडी भी नहीं बनते और एकदम थिक भी नहीं बनते, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनते हैं। इसको हम सीजन करेंगे थोड़े से सॉल्ट के संग और रेड चिली फ्लेक्स के साथ। अब हम इसको कुक कर लेंगे। इसको कुक होने में 1 से 2 मिनट भी नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पे मैंने यूज़ किया है इंस्टेंट ओट्स को। ये देखिए, ओट्स हमारे जो है बनके रेडी हो चुके हैं, हमको बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी के ओट्स चाहिए। ये देखिए, चलिए हमारी सारी चीज़ें बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है तो हम हमारा ओट्स का बाउल बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है ओट्स, मशरूम, साल्सा और सनी साइड अप। अब हम यहाँ पे लेंगे एक बाउल जिसके अंदर हम ऐड करेंगे सबसे पहले हमारे कुक करे हुए ओट्स को। इसको अच्छे से प्रेस करके हम पूरे बाउल में स्प्रेड कर देंगे। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे हमारा अमेजिंग साल्सा। ये साल्सा बहुत ही टेस्टी लगता है जब हम ओट्स के संग इसको मिक्स करके खाते हैं, तो इसको बिल्कुल स्किप ना करिएगा। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे हमारे गार्लिक मशरूम्स को। मशरूम्स आर वन ऑफ माय फेवरेट वेजिटेबल्स एंड इट्स वेरी वेरी हेल्दी। अगर आपको पसंद है तो आप इसको ज़रूर ऐड करिएगा, अदरवाइज इसके ऑल्टरनेटिव मैंने रेसिपी में नेक्स्ट हम इसको टॉप करेंगे सनी साइड अप के साथ। मेरा बाउल थोड़ा छोटा था इसलिए मैंने एग को थोड़ा सा फोल्ड करके रख दिया है। ये देखिए, इसको हम ड्रिजल करेंगे, टॉप करेंगे थोड़े से ऑलिव ऑयल के संग। ये स्टेप आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गार्निश इट विथ लिटिल फ्रेश कोरिएंडर लीव्स और जो हमारा बाउल है वो बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये देखिए, एग भी हमारा परफेक्टली कुक हुआ है, फ्री फ्लोइंग एग है। आपको ये रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी, इसको प्लीज जरूर ट्राई करिएगा। इट इज वन ऑफ माय फेवरेट सेवरी ओट्स रेसिपी। ऐसी बहुत सी वेट लॉस रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय।